हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ में। जी और ये वीडियो है, इस वीडियो के साथ साथ हम जो क्लास 11th के लेक्चर्स हो रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। इस जो क्लास 11th के लेक्चर्स हैं वो आपके कंटिन्यू रहेंगे यहाँ पे, हो सके तो सीरीज़ वाइज रहेंगे। बट ये है कि जो क्लास 11th की थ्योरी थ्योरी वाले जो चैप्टर्स हैं पहले मैं वो कराऊंगा, देन इसी चैनल पे आपको उसके न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे चैप्टर्स के और उनकी पीडीएफ्स भी मिलेंगी। पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी जिसका लिंक इसके वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो सबसे पहले सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास 11th की अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग क्लास 11th की अकाउंटिंग है वो ध्यान रखिएगा, वो सोल प्रोपराइटर जो 1% की अकाउंटिंग करेंगे हम 11th में, जो सीखते हैं हम अकाउंटिंग वो 1% की अकाउंटिंग सीखते हैं। देन जब 12th में जाते हैं तब हम वहाँ पार्टनरशिप की अकाउंटिंग सीखते हैं और कंपनी की अकाउंटिंग सीखते हैं। ठीक है, तो जो आपकी क्लास 11th बेस्ड है वो बिल्कुल सिंगल यानी कि सोल प्रोप्राइटर पे अकाउंटिंग पे बेस्ड है, यानी कि हम किसकी अकाउंटिंग सीखेंगे, सिंगल पर्सन की अकाउंटिंग सीखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो अकाउंटिंग है यार, अकाउंटिंग का जो रेफरेंस है वो हमें यहाँ से अभी मॉडर्न नहीं है, बल्कि जो अकाउंटिंग है वो पुराने ज़मानों से चलते हुए आ रही है। ठीक है, वेद में भी इसका जो है हमें रेफरेंस मिला हुआ है कि अकाउंटिंग वेद वगैरह में भी चलती थी, जैसे रामायण महाभारत इनमें भी अकाउंटिंग होती थी, चलते थे इनके भी। ठीक है, इनके टाइम पे भी। बट जो प्रेजेंट का सिस्टम है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है जो, वो डेवलप्ड हुआ था 15th सेंचुरी में। ये माना जाता है कि जो डबल एंट्री सिस्टम है वो सबसे पहले वाइडली यूज हुआ था 14th सेंचुरी में यूरोप में। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेशन की वजह से। ठीक है, तो याद रखिएगा जो फर्स्ट मतलब जिन्होंने डेवलप करा था डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम वो थे आपके फ्रैंका लुका पचोली, जिन्होंने डेवलप करा था डबल बुक कीपिंग जो एंट्री सिस्टम है उसको। ठीक है, या नीचे फोटो में देख सकते हैं, ये रहे भाई साहब। इन्होंने ये जो डबल बुक कीपिंग एंट्री का प्रिंसिपल था या फिर सिद्धांत बोल लीजिए आप, उन्होंने अपनी बुक में दिया था जिसका नाम था समाधि अर्थमेटिका डिवाइन प्रोपोर्शनिटा, पता नहीं बहुत बड़ा सा ये बुक का नाम है, आप इसमें से देख लीजिएगा। इन्होंने इस बुक में ये बताया था कि डबल एंट्री बुक कीपिंग के प्रिंसिपल्स इन्होंने यहाँ पर दिए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ अकाउंटिंग किसी को बोला जाता है, तो वो याद रखिएगा फ्रैंका लुका पचोली को ही बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने ही हमारे जो हमारे को है डबल एंट्री बुक कीपिंग के सिस्टम के प्रिंसिपल्स दिए थे। ठीक है, तो मेन चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं अपने, जिसमें सबसे पहला आता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग देखिए क्या होता है, बुक कीपिंग ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो कि हमें एजुकेट करता है कि कैसे हमने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मतलब जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, बुक कीपिंग जो है वो पार्ट होता है अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग क्या होता है, पार्ट होता है अकाउंटिंग का, जिसमें हमें ये पता चलता है जो जिसमें हम ये सीखते हैं कि कैसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा जाता है सिस्टमेटिक मैनर में और उसको कैसे क्लासिफाई करा जाता है लेजर में। ठीक है, तो बुक कीपिंग जो होता है वो कंसर्न करता है सबसे पहले आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल मतलब हुआ वित्तीय यानी कि पैसे से रिलेटेड। याद रखिएगा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का यहाँ पर मतलब ये है कि जो भी पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी या फिर इवेंट होगा उसी को रिकॉर्ड करेंगे हम, वरना जो पैसे से रिलेटेड कोई इवेंट या फिर ट्रांजेक्शन नहीं होगी उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग में एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि राम ने श्याम की मदद की, तो ये एक इवेंट तो है बट ये एक फाइनेंशियल इवेंट नहीं है। यहाँ पर ये चेंज कैसे हो जाए, मतलब फाइनेंशियल इवेंट ये कैसे हो जाएगा, राम ने 100 रुपये से श्याम की मदद की, तो यहाँ पे पैसे वाली बात आ गई ना, तो ये क्या हो गया, एक फाइनेंशियल इवेंट या फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऐसे ही हो सकती है। तो सिर्फ केवल हम किनको रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग में, जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट होती है। तो सबसे पहले बुक कीपिंग में हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई ट्रांजेक्शन जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट है या फिर नहीं है। सेकंड, हम मेजर करते हैं उसको मनी के टर्म्स में कि मनी के टर्म्स में या है नहीं, या ये जो ट्रांजेक्शन हुई है या फिर जो इवेंट है, मैंने एक ही लाइन में बोल दिया उसे, ठीक है, तो वो मनी के टर्म्स में है या फिर नहीं है। तीसरा, हम जो जब हम ये फाइंड कर लेते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है कोई और उसको मनी के टर्म्स में मेजर कर लेते हैं कि ठीक है, देन हम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं तो वो कहाँ रिकॉर्ड होता है, आपका जर्नल एंट्री में होता है रिकॉर्ड। ठीक है, जिसको हम जर्नल बोलते हैं या फिर सब्सिडरी बुक्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है वो आपकी कहाँ रिकॉर्ड होती है, जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड होती है। ठीक है,
देन उसके बाद हम जो ये जनरल एंट्री हो जाती है और जो ये रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स होती है उसको हम पोस्ट कर देते हैं लेजर अकाउंट में, तो यही कहलाता है आपका बुक कीपिंग। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका अकाउंटिंग। अकाउंटिंग देखिए क्या है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो कि हमने रिकॉर्ड कर रखी है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, और उनको समराइज़ करेंगे और उनको इस तरीके से समराइज़ करेंगे ताकि जो वो इन्फॉर्मेशन है उसको हम कम्युनिकेट करा सकें उसके फाइनल यूज़र्स तक। मतलब अकाउंटिंग देखो आपने क्या करा कि अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करा, अब जो जनरल एंट्री है वो सबको तो समझ में नहीं आएगी ना। अब एक जो जनरल एंट्रीज होती हैं वो बहुत सारी होती हैं एक साल के दौरान या फिर एक महीने के दौरान। ठीक है, अब उसको आपने क्या करा, उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आपने उसे लेजर में डाला। लेजर के बाद आपने क्या करा, जो ये रिकॉर्ड कर रखी है आपने ट्रांजेक्शन, इसको आपने क्या करा, समराइज़ करा, यानी कि ट्रायल बैलेंस में डाला, ट्रेडिंग पीएनएल बनाया। ठीक है, देन उसको बैलेंस शीट में करा। ठीक है, क्योंकि जो इन्वेस्ट जो ये फाइनल यूज़र्स हैं, फाइनल यूज़र्स को जनरल एंट्री और जो ट्रायल वो क्या कहते हैं आपका लेजर वगैरह, ये चीज़ें समझ में नहीं आती। उनको क्या समझ में आती है कि बैलेंस शीट दिखाओ हमें कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या है। तो जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उसको समराइज़ जब हम कर देते हैं तभी वो जो फाइनल यूज़र्स होते हैं उनको दिखाने लायक हो जाती है, क्योंकि वो तो सिर्फ ये देखते हैं कि कंपनी के एसेट्स कितनी है और कंपनी की लाइबिलिटीज़ कितनी है। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करी है हमने उसको समराइज़ करने का, और उन जो उस जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको जो उसके फाइनल यूज़र्स हैं उस तक पहुँचाने का। फाइनल यूज़र्स कौन कौन होते हैं, ओनर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। क्यों भाई, ओनर्स को चाहिए होता है कि भाई कितना पैसा हम कमा रहे हैं कितना नहीं कमा रहे हैं, क्योंकि जो आज के टाइम पे बिजनेस होता है ना वो चेंज हो चुका है उसका पर्सपेक्टिव। अब ओनर अलग होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है वो अलग होता है, याद रखिएगा। जो पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में जो बिज़नेस चलता था उसमें ओनर ही मैनेज कर रहे होते थे बिज़नेस को, बट आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जियो ले लीजिए, जियो का मालिक कौन है, मुकेश अंबानी, बट उसने क्या कर रखा है, उसने मैनेजमेंट के जो लोग हैं जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, जो HOD मतलब कि HOD बोल रहा हूँ, जो बड़े बड़े पर्सन्स होते हैं वो आ जाते हैं जो कि बिज़नेस को चला रहे होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या देता है, वो एक सैलरी देता है, और जो प्रॉफिट होता है वो कौन कमाता है, ओनर कमाता है। तो आज के टाइम पे जो बिज़नेस होता है वो इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है फाइनेंशियल रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन को जिसमें समराइज़ करते हैं, और जो जिस समराइज़ करते हैं तो उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को फाइनल यूज़र्स तक पहुंचाने को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग को क्या, अकाउंटिंग को याद रखिएगा, अकाउंटिंग का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या है कि अकाउंटिंग इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद आ जाता है हमारा अकाउंटेंसी। देखिए अकाउंटेंसी क्या रेफर करता है, अकाउंटेंसी रेफर करता है सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटेंसी क्या है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज है अकाउंटिंग का। अकाउंटेंसी एक्सप्लेन करता है कि कैसे हम डील करेंगे वेरियस एस्पेक्ट्स, और मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट पहलू हैं एस्पेक्ट्स हैं अकाउंटिंग के, उनके साथ में हम कैसे डील करेंगे वो कौन बताता है, हमें अकाउंटेंसी बताता है। अकाउंटेंसी हमें एजुकेट करता है कि क्या और कैसे, मतलब कि कब और कैसे, या फिर क्या और कैसे हम मेंटेन करेंगे अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, और उसको समराइज़ करेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ताकि हम उसको कम्युनिकेट करा सकें उसके वेरियस यूज़र्स तक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी पूरी की पूरी एक चीज़ है जो कि हमें बताता है कि हम अकाउंटिंग करेंगे कैसे। वो कौन बताता है हमें, अकाउंटेंसी बताता है। ये नीचे मैंने दोनों के बीच में एक्सप्लेनेशन भी कर रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग। देखिए कुछ लोगों का मानना यह है कि अकाउंटिंग और जो अकाउंटेंसी है वो सिनोनिम्स है, यानी कि एक दूसरे इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक ही है, बट ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा अकाउंटेंसी एक एरिया ऑफ नॉलेज है जो कि हमें ये बताता है कि अकाउंटिंग के एक्शन और प्रोसेस क्या यूज होंगे उसके एरिया में। ठीक है, यानी कि जो अकाउंटिंग है वो डिपेंड करती है रूल्स और प्रिंसिपल्स जो कि फ्रेम करे गए हैं अकाउंटेंसी की द्वारा। तो ध्यान रखना यहाँ पर कि अकाउंटेंसी एक पूरी की पूरी चीज़ है, और जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग एक पार्ट है अकाउंटेंसी का। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अकाउंटिंग डिपेंड है अकाउंटेंसी के ऊपर, बट अकाउंटेंसी डिपेंड नहीं है अकाउंटिंग के ऊपर। तो हम ये जो नीचे लाइन भी लिखी हुई है कि हम ये कह सकते हैं पर लास्ट में कि जो अकाउंटेंसी है वो पूरी की पूरी, मतलब कि वो पूरा का पूरा वर्ल्ड है, और अकाउंटिंग उसका छोटा सा पार्ट है, मतलब अकाउंटेंसी का पार्ट है अकाउंटिंग। तो ध्यान रखना दोनों अलग अलग चीज़ है। अकाउंटेंसी आप मतलब जितने भी रूल्स मतलब कि प्रिंसिपल्स वगैरह जो है बनाने के लिए जो यूज होते हैं आपके अकाउंटिंग में,
वो सारे के सारे कौन बताता है? अकाउंटेंसी। और जो फॉलो जिस चीज़ को फॉलो करता है अकाउंटिंग, मतलब कि कैसे कैसे चीज़ें करी जाएगी, वो चीज़ होती है आपकी अकाउंटिंग। तो जो पूरी की पूरी चीज़ होगी वो क्या होगी? अकाउंटेंसी होगी। और अकाउंटेंसी के अकाउंटेंसी डिपेंड नहीं होगी अकाउंटिंग के ऊपर, अकाउंटिंग डिपेंड होगी किसके ऊपर? अकाउंटेंसी के ऊपर। ठीक है, तो ये आपकी तीन चीज़ें यहाँ पर हो गई। इसके बाद आता है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस देखिए बहुत इजी है। अकाउंटिंग प्रोसेस आपके जो एक एक दो दो नंबर है उसकी थ्योरी में भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप क्या है। देखिए सबसे पहला स्टेप तो अकाउंटिंग प्रोसेस का यही है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट होता है उसको आइडेंटिफाई करना। कि जैसे मैंने आपको बुक कीपिंग में बताया था कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल है या फिर नहीं है। मतलब कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें पैसे का लेन देन नहीं होता है, तो वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो जाती है। तो हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो फाइनेंशियल हो, यानी कि उसमें पैसे का लेन देन हुआ हो। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा आता है प्रोसेस वो होता है रिकॉर्ड। अब हम क्या करेंगे, जब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। और मैंने आपको बताया था जो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड सबसे पहले किस में करा जाता है? आपके जर्नल में करा जाता है, यानी कि जर्नल एंट्री जो बोलते हैं उसको, उसमें रिकॉर्ड करा जाता है। और जर्नल एंट्री के देखिए जर्नल एंट्री के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कुछ उसमें भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि जर्नल एंट्री का अलग अलग पार्ट क्या है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल पेबल बुक, बिल रिसीवेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। ये ठीक है, ये सबके सब किसके अंदर आते हैं? रिकॉर्डिंग जो प्रोसेस है आपका उसके अंदर आते हैं। सबसे पहला आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई करना, दूसरा रिकॉर्ड करना, तीसरा आ जाता है क्लासीफाई करना। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है, जो आपने चीज़ें रिकॉर्ड करी है जनरल एंट्री में, अब उसको क्या किस में क्लासीफाई कर दो? लेजर में क्लासीफाई कर दो, यानी कि जो जो जनरल एंट्रीज के फॉर्मेट में था, रूप में था, उसको अब अकाउंट्स के फॉर्मेट में डाल दो, यानी कि क्लासीफाई कर दो। अलग अलग पर्सन के जो अलग अलग अकाउंट्स होते हैं उनमें उसको क्लासीफाई कर दो। उसके बाद आता है चौथा समराइज। समराइजिंग में ध्यान रखना, समराइजिंग में हम जब जो आपने जब लेजर बना दिए, लेजर के बाद उसको क्या करना होता है? समराइज करना होता है, एक जगह लाके उसको बिल्कुल ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना सारी की सारी चीज़ें, तो उसको बोलते हैं समराइज। समराइज के अंदर तीन चीज़ें आ जाती हैं, जो आपने लेजर बनाया है लेजर से आप उसको चौथे स्टेप में क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में डालेंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद आप उसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। देन लास्ट आप उसको किस में ट्रांसफर कर देंगे, बैलेंस शीट में बना देंगे। ये एक्चुअली आपके सारे के सारे चैप्टर्स हैं जो ट्रेडिंग मतलब कि फाइनल अकाउंट्स में आप सारे के सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आप किस में पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट है उसमें। और फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन 10 नंबर का कोई सा भी बोर्ड आता ही आता है आपके पेपर में, 12 नंबर का भी आ सकता है पर 10 का जनरली आ ही जाता है ये। इसके बाद जब हमने क्या करा, समराइज कर दिया, तो फिफ्थ वाले स्टेप में क्या करते हैं, एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, और जो एनालाइज और इंटरप्रिटेशन में देखिए हम क्या करते हैं, जब हमने समराइज कर दिया तो एनालाइज और इंटरप्रिटेशन में हम ये देखते हैं कि जो चीज़ें हमने रिकॉर्ड करी है वो सही रिकॉर्ड करी है या फिर नहीं करी है, जो ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड करी है उसकी सही अमाउंट रिकॉर्ड करी है नहीं करी है, यानी कि इसमें जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आ जाता है वो सारा का सारा इस वाले चैप्टर जो होता है वो इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर हम देखते हैं। देन जब हम सारी की सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाते हैं कि बिल्कुल ठीक है हमारी सारी की सारी चीज़ें, तब हम उस इन्फॉर्मेशन को किसको कम्युनिकेट करा देते हैं, फाइनल यूज़र्स को कम्युनिकेट करा देते हैं उस इन्फॉर्मेशन को। फाइनल यूज़र्स मैंने आपको बता रखे, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके फाइनल यूज़र्स होते हैं जिनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। क्योंकि इन्वेस्टर, आप इन्वेस्टर क्या है, आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है, तो उसको आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि आपकी जो बिज़नेस है उसकी हालत क्या चल रहे हैं, कितने एसेट्स हैं आपके पास में, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितनी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ आपको पे करनी है, ठीक है, कितना डेप्ट है, मतलब एक तरह से आप वो मान लीजिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इन्वेस्टर देखता है आपकी कंपनी में पैसा लगाने से पहले, और वो किस चीज़ को देखता है, आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को देखता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, अकाउंटिंग प्रोसेस। ये आपके 6 स्टेप्स हैं, तो आप होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन इसमें आता है आपके पास में कि इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट। तो याद रखिएगा, अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज अ साइंस, क्योंकि आर्ट एक टेक्निक होती है जिसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं बाय प्रैक्टिस। और साइंस क्या होता है, साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स और जो प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं आपके एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस पे। ठीक है, तो अकाउंटिंग में क्या है, कुछ टेक मतलब कि अकाउंटिंग एक आर्ट तो है ही,
क्यों? क्योंकि उसके जो आप अकाउंट जो अकाउंटिंग मैनेजर होता है या फिर जो अकाउंटेंट होता है वो अपनी जो आर्ट है उसको सुधार सकता है, मतलब इम्प्रूव कर सकता है, जो वो काम कर रहा होता है उसको इम्प्रूव कर सकता है वो बहुत इजीली। और जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स भी आते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, और जो कि एक जगह नहीं हर जगह, मतलब कि वर्ल्ड में हर जगह पे एक जैसा ही फॉलो होता है, तो वो क्या हो जाता है आपका साइंस हो जाता है। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट ओ सॉरी अकाउंटिंग इज अ साइंस और एन आर्ट, तो आप क्या लिख जवाब देंगे? यस, कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। इसके बाद आ जाते हैं आपके अकाउंटिंग के एडवांटेजेस। ठीक है, अकाउंटिंग के एडवांटेजेस देखिए, सबसे यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन नहीं करा हुआ है, आपको नेट पे अलग अलग जगह मिल जाएगा या फिर आपके पास बुक होगी तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहला है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। देखिए, जो सबसे बड़ा फायदा होता है अकाउंटिंग का वो ये होता है कि हमारे को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलती है एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। ठीक है, कि कितना हमने प्रॉफिट कमाया या फिर कितना लॉस हमें हुआ, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने पर। अकाउंटिंग पीरियड आपको पता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होता है वो आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है, और जो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक होता है उसको हम कैलेंडर ईयर भी बोलते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज़ कैलेंडर ईयर एंड व्हाट इज़ एन अकाउंटिंग ईयर, बट आपको नॉर्मली वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, नवंबर का महीना चल रहा है तो आपको इतना तो पता ही होगा। ठीक है, तो इसके बाद ये पहला पॉइंट क्या हो गया, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, कि जो अकाउंटिंग है वो हमें क्या बताती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, कि कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना हमें लॉस हो रहा है उसके बारे में हमें बताती है, और हमारी फाइनेंशियल पोजिशन क्या है एक साल के दौरान, एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान वो हमें अकाउंटिंग बताता है। दूसरा एडवांटेज है कि ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है, यानी कि असिस्टेंस देता है। अकाउंटिंग जो होता है वो असिस्ट करता है मैनेजमेंट को बिजनेस प्लान्स बनाने में, कैसे डिसीजन लिए जाएंगे उसमें हेल्प करता है, एक्सरसाइज कंट्रोल, मतलब कि कंट्रोल को एक्सरसाइज कैसे करेंगे हम बिजनेस के अफेयर्स के ऊपर में, यानी कि बिजनेस के जो अफेयर्स चल रहे हैं, अफेयर्स का मतलब वो नहीं जो दूसरा होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि उनका जो काम वगैरह चल रहा है उनके ऊपर जो एक्सरसाइज, मतलब कि कंट्रोल कैसे करा जाएगा वो कौन बताता है, अकाउंटिंग बताता है। तो ये हो जाता है आपका सेकंड एडवांटेज। तीसरा आता है रिप्लेसेस मेमोरी। ठीक है, सबसे बड़ा अकाउंटिंग का एडवांटेज मैं बोलता हूँ तो वो रिप्लेसेस मेमोरी ही है, क्योंकि जो एक इंसान है, इंसान की एक लिमिटेड मेमोरी होती है, इंसान की क्या होती है, एक लिमिटेड मेमोरी होती है, तो वो हर चीज़ याद नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी हेल्प अकाउंटिंग इसमें करता है कि वो हर चीज़ को रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, तो अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है तो उसको हमें रिकॉल करने में इजीनेस हो जाती है काफ़ी ना, यानी कि बहुत आसानी पड़ जाती है हमें उस चीज़ को दोबारा याद करने के लिए। और अगर आपको सिर्फ मेमोरी में याद करके रखना हो कि आज हमने इससे इतनी ट्रांजेक्शन करी है, कल इससे इतनी करी है, और अगर 1 महीने की ट्रांजेक्शन आपको याद करनी पड़ेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर होगी उसमें। तो अकाउंटिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अकाउंटिंग ने मेमोरी को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसमें हम जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, तभी जब वो अकर हो रखी होती हैं तभी उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, तो इससे जो मेमोरी है मेमोरी पर कम दबाव पड़ता है, और ये चांसेस भी कम होते हैं कि कुछ गड़बड़े हो जाए, और जो कुछ डिफॉल्ट होने के चांसेस कम होते हैं जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। इसके बाद आता है फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो अकाउंटिंग होता है वो हमें फैसिलिटी देता है कि कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या हुआ कि हम इस साल का कंपैरिजन अगले साल के वो अकाउंटिंग से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इस साल का हमें 10,000 प्रॉफिट है, अगले साल हमारे को जो प्रॉफिट हुआ वो 8,000 का हुआ, तो हम कंपेयर कर सकते हैं अकाउंटिंग में यार कि पहले साल तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ था, दूसरे साल कम हुआ, मतलब 2,000 का प्रॉफिट कम हुआ, 8,000 का हुआ, तो ये क्यों हुआ वगैरह वगैरह, ये सारा का सारा स्टडी के लिए, मतलब कि कंपेरिजन के लिए जो हेल्प करता है वो अकाउंटिंग हमें कंपैरिजन के लिए भी क्या कर देता है, हेल्प कर देता है कि हम अकाउंट, मतलब कि जो हम अपने प्रॉफिट और लॉस को है उसको कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद जो पांचवा एडवांटेज आता है वो होता है कि जो टैक्स लाइबिलिटीज होती हैं उनको सेटल करने में हेल्प करता है, क्योंकि जब हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर रहेगी तो जो टैक्स लाइबिलिटीज होगी वो हमें पता रहेगी कि भाई कितना टैक्स हमें देना है वगैरह वगैरह। तो जब हमें ये पता रहता है कि हम भूलते नहीं हैं, जब हमारे पास रिटर्न में रहता है अकाउंटिंग जो प्रॉपर रिकॉर्ड है हमारे पास कि हमें कितनी टैक्स लाइबिलिटी देनी है, तो हम उसको जो सेटलमेंट होता है वो इजीली कर देता है। तो अकाउंटिंग हमें फैसिलिटेट करता है कि जो टैक्स लाइबिलिटीज़ है उनको हम इजीली सेटल कर लें।
इसके बाद फैसिलिटेट करता है कि बिजनेस को सेल करने में। यहाँ का इसका मतलब क्या है, देखिए अगर हमारी प्रॉपर अकाउंटिंग रहेगी ना तो अगर हम उस बिजनेस को बेचना चाहेंगे तो हम इजीली बेच पाएंगे उसे, क्योंकि जो खरीदने वाला होगा वो मांगेगा भाई अपनी अकाउंटिंग दिखाओ कि कैसे कैसे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितना सामान तुम ला रहे हो, कितना बेच रहे हो, कितना बना रहे हो। तो अगर इन सब चीज़ की इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगी तो हमारे को बहुत ईजी पड़ जाएगा उस बिजनेस, जो हमारा बिजनेस है उसको सोल्ड करने में किसी दूसरे पर्सन को, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब ये हो गया। इसके बाद सातवां पॉइंट आ जाता है कि कोर्ट में एविडेंस मिल जाएगा। देखिए अगर बाय चांस कुछ हो जाता है, कुछ केस वगैरह हो जाता है और कोर्ट तक मामला चल जाता है और हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉपर रहेगी तो हम दिखा सकते हैं, मतलब कि किसी ने वो लगा दिया कि भाई ये घपला कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, किसी पर्सन ने लगा दिया या फिर किसी किसी भी चीज़ के कारण, अगर मान लेते हैं कि हमारे या फिर हम दिवालिया हो जाते हैं, हमारा बिजनेस दिवालिया हो जाता है, तो हम अकाउंटिंग के आधार पर यानी कि अकाउंटिंग के बेस पर ये दिखा सकते हैं कि भाई जो हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, कि देखिए ये रहा सबूत कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमारे पास लॉसेस बहुत चल रहे हैं, पिछले साल से लॉसेस होते हुए आ रहे हैं हमें कई सालों से, और ये है ये कि हमारी दिवालिया आने की नौबत हो गई है, यानी कि इंसॉल्वेंट होने की नौबत आ गई है हमारे को। तो ये अकाउंटिंग इसमें भी हेल्प करती है, यानी कि कोर्ट में अगर एविडेंस देना होता तो अकाउंटिंग वहाँ पर भी हमें हेल्प करती है। इसके बाद आठवां पॉइंट आता है कि हेल्पफुल रहती है पार्टनरशिप अकाउंट में। देखिए जो जब पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाते हैं तो वहाँ आपको पता है कि डिस्प्यूट्स होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, यानी कि एक पार्ट मतलब कि मतभेद होने के कारण रहते हैं। तो अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है कि पार्टनरशिप को जो अकाउंट पार्टनरशिप के जो अकाउंट है उनको बनाने में और उनको मेंटेन करने में वो क्या करता है, हेल्प करता है। यानी कि अगर एक पर्सन एक जो पार्टनर होगा उसको दूसरे पार्टनर से शक हो रहा होगा कि भाई इसने ऐसा जितना बोला है उतना करा है या फिर नहीं करा है, तो वो अकाउंटिंग उठा के देखेगा कि भाई इसने करा हुआ है या फिर नहीं करा हुआ है, और वहाँ से उसको पता चल जाएगा कि वो सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये क्या चीज़ करती है हमें, ये चीज़ें हेल्प करती है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस अकाउंटिंग की ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार जो आपकी थ्योरी वाला पर्सपेक्टिव आता है उससे पूछ ली जाती है आपके एग्जाम में, तो अकाउंटिंग की लिमिटेशंस जरूर पढ़ के जाना आप, ठीक है। जो अकाउंटिंग जो सबसे पहला पॉइंट है, अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अब देखिए अकाउंटिंग कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती है, मोस्ट ऑफ जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है वो एविडेंस के बेस पर रिकॉर्ड होती है, बट कई बार क्या होती है कि हम कुछ जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको एस्टिमेट बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गया, इनको क्या करते हैं हम क्या कहते हैं एस्टिमेटेड बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो अकाउंटिंग होगी वो हमेशा फुल्ली एग्जैक्ट होगी, जब हम एस्टिमेट बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे यानी कि अनुमान लगा के रिकॉर्ड करेंगे तो ज़रूर थोड़ा है कि हमारा जो अनुमान होगा वो हमेशा सही ही होगा, ठीक है। अब तुक्के पे अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं यानी कि एस्टिमेट बेसिस पे कुछ चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है वो जो आपकी अकाउंटिंग होगी वो एग्जैक्ट तो कभी भी नहीं हो सकती, मतलब फुली जिसको बोला आपकी ये फुल्ली एग्जैक्ट अकाउंटिंग है तो वो नहीं होगी। तो अकाउंटिंग जो है ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई बोलेगा कि अकाउंटिंग फुल्ली अकाउंटिंग क्या है फुल्ली एग्जैक्ट होती है, तो ध्यान रखिएगा अकाउंटिंग कभी भी फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो तो फुल्ली एग्जैक्ट रिकॉर्ड करते हैं जो ट्रांजेक्शन हुई होती है, पर काफ़ी सारी चीज़ें अकाउंटिंग के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिनको हम एस्टिमेटेड बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम उनके ओरिजिनल ट्रांजेक्शन पर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, जैसे डेप्रिसिएशन की जो यूज़फुल लाइफ होती है, जो क्या कहते हैं आपका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट होता है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, वैल्यू नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इनको हम किस बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं, एस्टिमेटेड बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा आता है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। देखिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कई बार क्या होता है कि रियलिस्टिक नहीं हो सकती है, क्या पता जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करे गए हों अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ना प्रिपेयर करे गए हों। अकाउंटिंग अभी आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस होते हैं उनके बेसिस पे हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कुछ प्रिंसिपल्स आ जाते हैं हमारे, जैसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने ये बोला जाता है कि जो एक बिजनेस है वो फोरसीबल फ्यूचर तक चलेगा, यानी कि जो एक बिजनेस है वो अनंत काल तक चलेगा, मतलब अगर वो स्टार्ट हुआ है। बट क्या ऐसा रियलिटी में होता है? तो अगर मतलब कि अगर आप इससे देखेंगे कि एक बिजनेस अगर अनंत काल तक चलेगा तो जो उसके अंदर को जो उसके अंदर एसेट्स होंगे उनकी कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन कितने टाइम तक लगेगा ये कैसे हमें पता चलेगा? तो याद रखिएगा जो अकाउंटिंग होता है वो अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, यानी कि एक बिजनेस कभी भी अनंत काल तक नहीं चल सकता,
ये पॉसिबिलिटी है कि चलता रहे, बट ये नहीं पता ना कि हमेशा चलता रहे। कई बार बिजनेस आपने देखे होंगे कि एक महीने चले अगले महीने बंद हो गए, बट यहाँ पे बिजनेस की डेफिनेशन ये बोले कि अगर कोई कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ तो वो कभी बंद ही नहीं होगा, अनंत काल तक चलेगा। तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आती है वो अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन भी हो जाती है, ये अकाउंटिंग के कुछ लिमिटेशंस है। तीसरा जो सबसे आता है बढ़िया जो लगता है मुझे वो ये है कि अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, यानी कि अकाउंटिंग जो है वो क्वालिटेटिव पे फोकस करता है, क्वालिटी पे फोकस नहीं करता है। यानी कि जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे इग्नोर कर देगा अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग में सिर्फ क्वांटिटी को जज करा जाता है, क्वालिटी जज नहीं करी जाती। समझ लेते हैं कि एक फर्म है उसमें 10 इम्प्लॉयज़ हैं, दूसरी फर्म है उसमें 10 इम्प्लॉयज़ हैं, बट जो पहली फर्म है जिसमें 10 इम्प्लॉयज़ हैं वो अनस्किल्ड है, मतलब उन्हें कुछ नहीं आता है, तो और जो दूसरी फर्म है जो 10% है वो सारे के सारे स्किल्ड है, उनको सब कुछ आता है। तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग है अकाउंटिंग के हिसाब से दोनों में 10-10 इम्प्लॉय है, पर जो उसने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है वो शो नहीं करता है अकाउंटिंग, यानी कि दूसरे में स्किल्ड वर्कर्स हैं वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे इन 10 के बजाय। तो ये जो एस्पेक्ट होता है वो इग्नोर होता है अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट आ जाता है, चौथे पॉइंट में देखिए क्या है, अकाउंटिंग इग्नोर्स द अफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, ठीक है। तो अकाउंट यहाँ पर प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब क्या है, देखिए जैसे आपने प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब क्या है, जो पैसा है पैसे की वैल्यू जितनी 100 रुपये की आज है वो कल 100 रुपये की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी, तो इसको बोलते हैं प्राइस लेवल चेंज। यानी कि जो एक किलो मतलब कि जैसे पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं कि जो पेट्रोल है वो आज 100 रुपये लीटर पे आ रहा है, ठीक है, बट ये कि अगले साल जाके वो 200 रुपये ना आ जाए, तो इसको बोलते हैं प्राइस लेवल चेंजेस। यानी कि जो पहले इसमें एक एग्जांपल आप पहले के ले लीजिए, जो पहले 1 लीटर पेट्रोल था वो 70 रुपये का मिलता था, आज की डेट में 100 रुपये का मिल रहा है, तो यानी कि जो वैल्यू है 70 रुपये की वो 70 रुपये की वैल्यू नहीं रही अब, यानी कि जो चेंज आ गया है ना प्राइस लेवल चेंजेस को यही बोलते हैं। यानी कि 100 रुपये में जो हमें चीज़ पहले मिलती थी आगे जाके उतनी चीज़ नहीं मिलेगी। यानी कि 100 रुपये में हम समझ लीजिए कुछ चावल, मतलब कि चावल का एग्जांपल मान लेते हैं कि 100 रुपये में 1 किलो चावल मिलता था पहले, हाई वाला क्वालिटी वाला, उसे तो छोटे वाला बोलेंगे कि सर 1 किलो का कहाँ मिलता है, बट ये कि जो हाई क्वालिटी वाला होता है वो मान लेते हैं कि पहले 100 रुपये का 1 किलो चावल मिलता था, बट अगले साल जाके क्या पता वो 100 रुपये का आधा किलो मिले, तो इसको बोलते हैं प्राइस लेवल चेंजेस, ठीक है। तो अकाउंटिंग इस चीज़ को भी इग्नोर करता है, अकाउंटिंग में जो चीज़ हम रिकॉर्ड करते हैं वो उसकी परचेजिंग वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि हिस्टोरिकल जो कॉस्ट होती है उस पर रिकॉर्ड करी जाती है, ठीक है। यानी कि जो वैल्यू में चेंज आ रहा है उस पर रिकॉर्ड नहीं करते हम, यानी कि जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है उस पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। यानी कि समझ लीजिए आपने आज कोई बाइक खरीदी या फिर कोई मशीनरी खरीदी बिजनेस के लिए, तो और वो जो मशीनरी है वो 50 लाख की है, तो उसको 50 लाख पे ही रिकॉर्ड करा जाएगा, कल उसकी वैल्यू 40,000 हो जाए और एक साल बाद जाके उसकी 20 लाख हो जाए वैल्यू, ठीक है, 40 लाख हो जाए या फिर 20 लाख हो जाए उसकी वैल्यू अगले साल जाते जाते, तो हम उसको 20 लाख पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम उसको जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर हमने परचेज करा था हम उसको हमेशा उतनी ही कॉस्ट पर दिखाते हैं, यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पर हम दिखाते हैं। तो जो प्राइस लेवल में चेंजेस आने वाले चेंजेस होते हैं प्राइस लेवल में, हम उसको अकाउंटिंग उसको भी इग्नोर करती है, ये भी इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है। इसके बाद जो पांचवा स्टेप है, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है कि अपनी जो खिड़की है उसको साफ दिखाना, अकाउंटिंग ये कर सकता है। मतलब अपनी खिड़की को साफ दिखाने का मतलब क्या है कि आप इस तरीके से अकाउंटिंग करें कि आप ये दिखा रहे हैं कि भाई हमारे जो बिजनेस है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, अकाउंटिंग के जरिए शो करा जा सकता है, क्योंकि अकाउंटिंग के ही जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होती है वो ही फाइनल यूजर्स तक जाती है, मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया है। तो जब वही इन्फॉर्मेशन जाएगी फाइनल यूजर्स तक, तो ये हो सकता है कि भाई आपने गलत शो कर रखा हो अकाउंटिंग, यानी कि आपने इस तरीके से शो कर रखी हो अकाउंटिंग कि भाई हमारा तो बिजनेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट चल रहा है, फायदा ही फायदा है, पैसा ही पैसा है एकदम, ठीक है, बिजनेस के अंदर पैमसा ही पैमसा है, ठीक है, तो वाली चीज़ हो सकती है। अब मतलब कि आप अकाउंटिंग इस तरीके से कर सकते हो कि भाई आप कि जो कंपनी की गुडविल है या फिर वैल्यू है वो बढ़कर दिखाई दे, पर रियलिटी में वो हो ना, तो ये भी इसकी अकाउंटिंग की लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग इस तरीके से भी करी जा सकती है कि आपकी जो कंपनी की गुडविल है या फिर जो मतलब फाइनेंशियल पोजीशन है उसको गलत दिखाया जा सकता है अकाउंटिंग के जरिए। तो ये भी अकाउंटिंग का क्या है, सबसे बड़ा लिमिटेशन आ जाता है। इसके बाद जो आ जाते हैं यूज़र्स आ जाते हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के कौन कौन यूज़र्स होते हैं, देखिए दो तरह के यूज़र्स होते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल।
मैंने एक ही वीडियो में चैप्टर कंप्लीट कराना चाह रहा हूँ क्योंकि ताकि आपके जो फरवरी तक है, फरवरी तक मैं आपका 11th का सारा कोर्स कंप्लीट करा सकूँ। इसलिए मैं थोड़ा एक एक वीडियो में पढ़ाने के लिए मैं इन टॉपिक्स को लंबा लंबा खींच के पढ़ा सकता था, बट यहाँ पे से जो चैप्टर्स का है यहाँ पे सिर्फ ज़्यादा पोर्शन नहीं आता नंबर्स के हिसाब से, तो मैं जिस चैप्टर से ज़्यादा चीज़ें आएंगी वो उसको आपको डीपली पढ़ाऊंगा, जहाँ से थोड़ी कम चीज़ें आएंगी वहाँ पर आपको थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आ जाए सर। ठीक है, तो यूज़र्स जो होते हैं वो दो तरह के यूज़र्स होते हैं, एक इंटरनल यूज़र्स होते हैं, एक एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। इंटरनल यूज़र्स में ओनर्स, मैनेजमेंट और इम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। नई बुक में इम्प्लॉयज़ को आपका एक्सटर्नल यूज़र में डाल रखा है, बट जो मेरे हिसाब से भी है वो इम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो इंटरनल यूज़र्स के अंदर आते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल यूज़र्स में कौन आते हैं? बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इन्वेस्टर, पोटेंशियल क्लाइंट, क्रेडिटर, गवर्नमेंट अथॉरिटी, रिसर्चर, कंज्यूमर पब्लिक, ये सारे के सारे किस में आते हैं? आपके एक्सटर्नल यूजर्स में आ जाते हैं। इसके बाद आता है कि ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, बाकी अकाउंटिंग की क्या क्या ब्रांचेस होती हैं। वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, यहाँ पर तीन चीज़ें दे रखी हैं, ये भी आपको थ्योरी में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वैसे तो बहुत सारी अकाउंटिंग होती है। ठीक है, टैक्स अकाउंटिंग भी होती है आपकी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी, मैनेजमेंट इसमें हो गया है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी होती है आपकी। ठीक है, अलग अलग तरह की बहुत सारी अकाउंटिंग होती है जो आपको पढ़नी होती है, बट यहाँ पर जो आपको ब्रांचेस बता रखी है अकाउंटिंग वो क्या है सर? तीन अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी होती है बट वो यहाँ पर शो नहीं हो रखा है, तो ध्यान रखिएगा। तो अकाउंटिंग के ब्रांचेस तीन है और जो आपका ये चैप्टर है वो पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। और जो हमारी मतलब कि जो 11th क्लास की सीरीज है रेगुलर चलेंगी, बिल्कुल पॉइंट मतलब कि पॉइंट का मतलब यहाँ पर पॉइंट ये है कि जो वीडियोस आएंगे वो बिल्कुल रेगुलर आएंगी। जैसे कई बार क्या होता है आपको एक टीचर का अच्छा लगता है वीडियो, पर सारी की सारी उसकी जो वीडियोस होती है अवेलेबल नहीं होती, फिर हमें किसी और टीचर के उसमें देखना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका ऐसा नहीं होने वाला है कि जो आपकी वीडियोज़ आएंगी वो मेरे जो लेक्चर्स हैं वो बिल्कुल रेगुलर आएंगे यहाँ पर, और बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें आएंगी जिसमें आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी आएंगे, और जो उनकी PDFs भी होंगी वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है, थैंक यू।